पढ़ेंगे जिसका नाम है कुछ खास है हम। देखो बच्चों, कई लोग दृष्टिहीन होते हैं और कई लोग बहुपति होते हैं, वो भी उच्च शिक्षा प्राप्त करके कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार कुछ खास है हम। ये क्या हो गया, ये सी ए
मुद्दों को ब्रेल लिपि के द्वारा बढ़ाया जाता है। इसके बाद आता है कि जो लोग सुन और बोल नहीं सकते, कई लोग होते हैं जो सुनते भी नहीं है और बोलते भी नहीं है, उन लोगों को पढ़ाने के लिए एक सांकेतिक भाषा होती है। सांकेतिक भाषा के द्वारा उन लोगों को पढ़ाया जाता है। इस भाषा में इशारों के द्वारा जो लोग बोलते नहीं और सुनते नहीं उनको इशारों के द्वारा अक्षर ज्ञान कराया जाता है। इसमें सांकेतिक भाषा में इशारे में ये है, एक को ये का इशारा होता है बच्चों, ये इस तरह ए, ये इशारों में जो बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते वो इस इशारे को देखकर समझ जाते हैं कि ये ए लिखा हुआ है। बी के लिए ये बी और सी के लिए ये इस तरह इशारा किया जाता है, ये सी। डी के लिए ये डी। जी के लिए देखो बच्चों ये इस तरह बनता है, तो ये है जी। एच के लिए ये एच। इस तरह इशारों के द्वारा इन लोगों को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। सांकेतिक भाषा में अगर समझाना है बी ओ जी, इसको समझाने के लिए डी का इस तरह ये जो बनता है वो है डी, फिर ओ ये हो जाता है ओ और फिर जी, जी के लिए ये। इशारे को देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये डॉग लिखा हुआ है, ये इसको डॉग पढ़ना है। तो बच्चों हमने आज